हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू द चैनल। आज की हमारी वीडियो का टॉपिक ये है कि अगर आप एक वेब डेवलपर हो या फिर एक प्रोग्रामर हो या फिर एक बिगिनर हो इस फील्ड में, और अगर आप चाहते हो कि नया लैपटॉप बाय करना, बट आप कंफ्यूज्ड हो कि कौन से स्पेसिफिकेशन वाला लैपटॉप हमें लेना चाहिए, तो ये वीडियो आपके लिए है जिसमें हम आज की डेट में सारी स्पेसिफिकेशंस कवर करेंगे जो कि मिनिमम स्पेसिफिकेशंस है एक बिगिनर को लैपटॉप बाय करने के लिए चाहिए होती है। इसके अलावा यहाँ पर मैंने दो तीन लैपटॉप्स अलग से निकाले हुए हैं जो कि आपको मैं आज बताऊंगा, जिसमें से आप कोई भी चूज कर सकते हो। और अगर आप उन लैपटॉप में कोई पसंद आपको नहीं आता तो स्पेसिफिकेशन जो आपको बताऊंगा उसके अकॉर्डिंग आप फिल्टर लगाकर अमेजोन पर जहाँ पर कहीं पर भी आप बाय करना चाहो वो स्पेसिफिकेशंस नोट करके रख लीजिएगा। ये सब चीज़ें जो है नोट करके रखें, जब भी आप किसी शॉप पर जाओ बाय करने के लिए तो आप उनको बता दें कि ये वाली स्पेसिफिकेशंस का लैपटॉप हमें चाहिए और आपको वही चीज़ आपको मिल जाएगी। तो बिना कोई टाइम वेस्ट करते हुए लेट्स गेट राइट इन टू द वीडियो। दोस्तों यहां पर मुझे दो ऐसे कमेंट्स आए हैं जिसमें कि सबसे पहले कमेंट किया है विशाल कुमार रॉय, मेरा भाई है कोई, उसने कमेंट किया है, हेलो मोहित भैया, मैं 50K में एक लैपटॉप लेना चाहता हूं, मोटिव है प्रोग्रामिंग कोडिंग एंड लिटिल बिट ऑफ गेमिंग, क्या HP 15 10th जनरेशन इंटेल कोर 15 ड्यूओ 106 TU सही रहेगा, क्या ये रिलायबल है, क्योंकि मुझे एक बार ही लैपटॉप लेना है, इसके बाद अगले 4-5 साल उसी के साथ काम चलाना होगा, तो क्या सही रहेगा। तो यहां पर मैंने इनको रिप्लाई किया है कि एज एन ओवरव्यू द लैपटॉप विल नॉट बी एबल टू रन हैवी गेम्स बिकॉज जो HP 15 10th जनरेशन का जो लैपटॉप है उसमें इंटीग्रेटेड ग्राफिक कार्ड मिलेगा, आपको डेडिकेटेड नहीं मिलता, इसलिए जो कि आप जिसकी वजह से कि आप उस लैपटॉप पर हैवी गेम्स नहीं यूज कर सकते। उसके अलावा अगर आप एक प्रोग्रामर हो या फिर कोडर हो विशाल भाई, तो आपको सिर्फ बिगिनर या फिर छोटे प्रोजेक्ट्स के लिए ही इसको यूज करना चाहिए, कोई एंड्रॉयड डेवलपमेंट या फिर आप कोई मशीन लर्निंग वगैरह इसमें नहीं कर सकते, क्योंकि उसके लिए आपको ज्यादा क्वाड्स और आपको ज्यादा ग्राफिकल प्रोसेसिंग की जरूरत पड़ती है, तो उसके लिए हमें ऑब्वियसली डेडिकेटेड ग्राफिक कार्ड चाहिए होगा। इसके अलावा हमें दूसरा कमेंट यहाँ पर आया था सशा साई, ये कोई आपने सब्सक्राइबर है प्यारे से, आई होप आपका नाम मैंने अच्छे से प्रोनाउंस किया होगा सशा साई, तो इनका कमेंट यहाँ पर है, ब्रो प्लीज सजेस्ट मी वन लैपटॉप फॉर वेब डेवलपमेंट, आई एम गोइंग टू वर्क ऑन डेवलपमेंट प्रोजेक्ट ऑन रिएक्ट, प्लीज सजेस्ट मी अ लैपटॉप, आई नीड i7 प्रोसेसर, माय बजट इज 70-80K, प्लीज रिप्लाई मी इज इट ओके टू बाय 2017 मैकबुक एयर नाउ। आई थिंक आई एम, उनके लिए मैंने रिप्लाई प्रॉपर दे दिया हुआ है, और इसके बारे में भी इन्होंने बोला है कि इसके ऊपर वीडियो भी चाहिए उनको 70-80K में। तो सशा साई भाई, आज ये वीडियो आप लास्ट तक जरूर देखना, क्योंकि आज आपको इसके स्पेसिफिकेशंस प्रॉपर पता लगेंगे कौन सी आपको लेनी चाहिए लैपटॉप और कौन से नहीं लेने चाहिए। तो सबसे पहले बात करूंगा मैं i7 प्रोसेसर की, यहाँ पर उन्होंने बोला है कि 70-80K के अंदर आपको लैपटॉप चाहिए जिसमें i7 का प्रोसेसर हो। तो i7 प्रोसेसर में जो कि मैंने अभी तक देखा है इस रेंज के अंदर बहुत कम लैपटॉप आ रहे हैं, क्योंकि जब जैसे ही आप i7 प्रोसेसर i5 से i7 पर जाते हो तो रेट ऑटोमेटिकली डबल हो जाता है, काफी ज्यादा हाई हो जाता है, 10-20 हज़ार का ऊपर फर्क पड़ जाता है। तो यहाँ पर मुझे एक ही लैपटॉप मिला जो कि मैंने देखा था, आई थिंक उसका नाम था एसुस का टफ गेमिंग सीरीज। वैसे उसके अलावा आपको जो मुझे नई कंपनीज आई हैं अविता वगैरह, वो भी लैपटॉप मिल जाएंगे, बट द थिंग इज ये ब्रांड्स अभी मार्केट में नए हैं और हम इस पर रिलाय नहीं कर सकते। इसलिए अगर आपको एक ऐसा लैपटॉप चाहिए जो कि आप जिस पर रिलाय कर सकते हो, जिसकी कस्टमर सर्विस अच्छी हो, या फिर आपके इतने 70-80 हज़ार पैसे खर्चने भी है और आपको अच्छी चीज मिले, तो मैं आपको ये सजेस्ट करूंगा कि आप एसुस का टफ गेमिंग सीरीज के लैपटॉप जरूर देखें, उसमें आपको इसी रेंज के अंदर आपको i7 प्रोसेसर मिल जाएगा। तो ये तो थे दो कमेंट्स, आज की वीडियो इन दोनों पर डेडिकेटेड है। तो बात करें सबसे पहले कि हमें जब भी एक बिगिनर प्रोग्रामर होता है या फिर कोई नया
कंप्यूटर साइंस का सब्जेक्ट लेता है उसको एक बिगिनर के लिए कौन सी स्पेसिफिकेशंस की जरूरत पड़ती है। सबसे पहले आपको बताऊं कि मेन चीज प्रोग्रामिंग के लिए एक लैपटॉप में हमें दिखनी चाहिए, सबसे पहले प्रोसेसर, दूसरा रैम और तीसरी उसमें ग्राफिक कार्ड कितनी है। तो यहां पर मैं सजेस्ट करूंगा कि कम से कम आप चाहे आप बिगिनर हो या फिर एडवांस्ड हो, कम से कम रिक्वायरमेंट प्रोसेसर में आपको इंटेल में i5 और AMD में Ryzen 5 लैपटॉप ही लेना चाहिए। उसके नीचे आपको कोई भी प्रोसेसर नहीं सजेस्ट करूंगा, क्योंकि मेरे पास था Acer का लैपटॉप i3 का, वो एक साल के अंदर अंदर ही हैंग होना शुरू हो गया, और वैसे भी i3 प्रोसेसर जो है आजकल के हैवी लोड प्रोग्रामिंग्स नहीं मैनेज कर सकते प्रॉपरली। तो यहां पर आपको i5 प्रोसेसर ही सजेस्ट करूंगा हमेशा, कम से कम आप i5 प्रोसेसर आप ले लीजिए। उसके बाद बात करें हम यहां पर रैम की, तो आपके लैपटॉप में जब भी आप बाय करना जाओगे कम से कम 8GB ऑफ रैम होनी ही चाहिए, उससे कम अगर होगी चल तो आपका फिर भी पड़ेगा। सिस्टम रिक्वायरमेंट किसी भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज की नहीं बोलती कि आपको कम से कम 8GB ऑफ रैम चाहिए, लेकिन आपको 4GB में भी चल जाएगा आपकी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। बट द थिंग इज, अगर आपको एफिशिएंटली वर्क करना है अपने अपने स्पेसिफिकली लैंग्वेज में अपने अपने लैपटॉप को यूज करके, अगर आप एक स्टार्टिंग बिगिनर्स में स्टेप इन कर रहे हो, तो आई होप आपको आप ये नहीं चाहोगे कि मतलब कोई भी आप फर्स्ट लैपटॉप लो और वो 5-6 महीने बाद हैंग होना शुरू हो जाए, या फिर आप जब भी कभी अपनी IDE वगैरह कुछ भी लॉन्च करो तो वो लैग करे, हैंग करे, ऐसा कुछ नहीं होना चाहिए। सब कुछ एफिशिएंटली हो जाना चाहिए, इसीलिए आपको कम से कम 8GB ऑफ रैम मस्ट है अपने लैपटॉप में। उसके बाद बात करें हम ग्राफिक कार्ड की, तो यहाँ पर आपको पता है कि लैपटॉप्स दो तरह के GPUs में आते हैं, एक आपको मिलेगा इंटीग्रेटेड ग्राफिक कार्ड, दूसरा मिलेगा डेडिकेटेड ग्राफिक कार्ड। मैं हमेशा यहाँ पर सजेस्ट करता हूँ कि जो भी कोडर है, कोई प्रोग्रामर है, जो भी है, वो हमेशा डेडिकेटेड ग्राफिक कार्ड के साथ ही जाएं, इंटीग्रेटेड के साथ मत जाएं, क्योंकि डेडिकेटेड में आपको ज़्यादा हाई एफिशिएंट परफॉर्मेंस मिलेगी। तो यहाँ पर मस्ट है आपके लैपटॉप में कम से कम 4GB ऑफ ग्राफिक कार्ड होना ही चाहिए। अगर आपका कम है फिर भी काम चल जाएगा, कुछ इतना इशू नहीं होगा, बट फिर भी एज आई सेड हमें कोई भी रिस्क नहीं लेना है, किसी भी तरह से कमी पेशी नहीं रखनी। तो मिनिमम रिक्वायरमेंट हमें कम से कम 4GB ऑफ ग्राफिक कार्ड चाहिए ही चाहिए एक लैपटॉप में। जैसे कि यहाँ पर विशाल भाई ने कमेंट किया था कि उनका बजट जो है 50,000 के अंदर अंदर है, तो यहाँ पर मैंने 50,000 के अंदर दो ऐसे लैपटॉप निकाले हैं जो कि आप चूज कर सकते हो अगर आपने अभी तक लैपटॉप बाय नहीं किया और आप एक कोडर या प्रोग्रामर बनने के लिए ये लैपटॉप बाय करना चाहते हो। सबसे पहले यहाँ पर लैपटॉप है Asus का Vivo Book 14, जिसमें आपको 14 इंच की फुल HD डिस्प्ले मिलेगी, 8GB ऑफ रैम मिलेगी, 512GB ऑफ SSD मिलेगी, i5 का प्रोसेसर है इसमें, वो भी 10th जनरेशन वाला, और इसमें आपको 2GB का ग्राफिक कार्ड मिलेगा। जी हाँ, इस रेंज में आपको Asus में जो मुझे अभी तक दिखा है 50,000 की रेंज में, वो है 2GB का ग्राफिक कार्ड। लेकिन आई नो, जैसे कि मैं उनको बोला है कि कम से कम 4GB ऑफ ग्राफिक कार्ड होना चाहिए, और अगर उससे कम है, जैसे ये 2GB है, इससे भी आपका काम चल जाएगा, क्योंकि आप एक बिगिनर हो तो आप पहले एक दो साल तो आप यही सीखोगे, HTML, CSS, JavaScript सीख लोगे, MySQL की बेसिक सीख लोगे, उसके अलावा जावा सीख लोगे, उसके NetBeans कर लोगे, BlueJ कर लोगे, ऐसी चीज़ें आप थोड़े बहुत फ्रेमवर्क्स कर लोगे, ये चीज़ें हैं। आप पहले एक दो साल में इतना हाई लेवल प्रोग्रामिंग नहीं करोगे जितना कि मुझे लगता है, तो आपके लिए ये लैपटॉप ठीक रहेगा। आपको लगता है कि ये ग्राफिक कार्ड 2GB का कम है आपके लिए, आपको 4GB वाला ही चाहिए, तो इसी प्राइस रेंज में मैंने एक और लैपटॉप देखा है जिसका नाम है Acer का नाइट्रो, तो जिसमें कि आपको i5 का प्रोसेसर मिल जाएगा, बट वो 10th जनरेशन नहीं, 8th जनरेशन का प्रोसेसर होगा, उसमें 8GB इसमें रैम मिलेगी, जिसमें आपको 16GB की ऑप्टेन मेमोरी भी मिलेगी एडिशनल। उसके अलावा 1TB की हार्ड डिस्क है इसमें, SSD आपको नहीं मिलेगी, बट यहाँ पर यह फायदा हो जाएगा कि 2GB ग्राफिक कार्ड की जगह आपको 4GB ग्राफिक कार्ड मिल जाएगा, इसके प्राइस रेंज आपको 55,000 के आसपास मिल जाएगा। तो इस 50,000 के आसपास की रेंज के मैंने ये दो लैपटॉप निकाले हैं।
इसके अलावा शेषा साई इन्होंने बोला था कि उनको 70-80,000 के अंदर अंदर वाले बजट में लैपटॉप चाहिए। इस प्रेस में मैंने तीन लैपटॉप जो है वो सॉर्ट आउट किए हैं, जिसमें आपको एचपी, डेल और एसुस का लैपटॉप मिल जाएगा। तो बात कर रहे हैं कि एचपी में कौन सा है हमारे पास, तो एचपी में आपको मिल जाएगा पवेलियन गेमिंग, जिसमें आपको i5 प्रोसेसर मिलेगा, 8GB ऑफ रैम मिलेगी, 512GB ऑफ SSD मिलेगी, उसके अलावा आपको 4GB ऑफ ग्राफिक कार्ड मिल जाएगा। इसका प्राइस रेट आपको मिलेगा 61,990 रुपीस में। उसके बाद बात करें डेल में कौन सी मिलेगी, डेल में मैं काफ़ी लोगों को जो भी मुझे पूछता है डेल में कौन सा लैपटॉप अच्छा है आज की रेंज में, मुझे तो यही बेस्ट लगता है डेल की जो G3 सीरीज है, जो कि जी गेमिंग लैपटॉप्स की सीरीज का एक पार्ट है। G3 सीरीज के काफी डिफरेंट वर्जन आते हैं, ये जो मैंने निकाला है इसमें आपको 8GB ऑफ रैम मिलेगी, 1TB ऑफ हार्ड डिस्क प्लस 256GB ऑफ SSD मिलेगी, 15.6 इंच का ये स्क्रीन मिलेगी आपको, 10th जनरेशन i5 प्रोसेसर है, उसके अलावा आपको मिलेगा ग्राफिक कार्ड 4GB का 1650 GTX NVIDIA का। प्राइस रेंज यहाँ पर आपको मिल जाएगा 70,000 का ये लैपटॉप है, 70,990 रुपीज़ अगर हम स्पेसिफिकली बात करें तो। इसके अलावा तीसरा लैपटॉप मैंने निकाला है एसुस का टफ गेमिंग लैपटॉप। डेल G3 के अलावा एसुस के जो टफ गेमिंग लैपटॉप की सीरीज है वो भी काफ़ी अच्छी जा रही है, अभी मार्केट की शेयर में काफ़ी ज़्यादा बूस्ट कर रही है, काफ़ी ज़्यादा सेल चल रही है इनकी। और यहाँ पर इनको मैं सजेस्ट करूँगा गेमिंग लैपटॉप जिसमें आपको राइजन 5 मिल जाएगा, उसके अलावा 16GB की रैम और 512GB की SSD आपको मिलेगी विंडोज 10 के साथ, 4GB का ग्राफिक कार्ड मिलेगा जो कि NVIDIA का सेम GTX 1650 होता है, जो कि नॉर्मल हर एक लैपटॉप की सीरीज में इस प्राइस रेंज के अंदर अंदर हर लैपटॉप में मिल जाता है। इसका प्राइस रेंज आपको मिलेगा 64,990 रुपीस का। अगर आप टफ गेमिंग में ही लैपटॉप देखना चाहते हैं तो इसमें और भी सीरीज आती हैं जिसमें कि आपको रैम ज़्यादा मिलेगी किसी में आपको ग्राफिक कार्ड ज़्यादा मिल जाएगा, किसी में आपको SSD ज़्यादा मिल जाएगी या फिर हाइब्रिड मिल जाएंगे, ऐसे मिल जाएंगे। तो इसका प्राइस रेंज 60,000 से शुरू होकर 70-80-90,000 तक भी जाता है इस टफ सीरीज का। तो बस ये थे मेरे कुछ ऐसे पिक्स जो कि मैंने 50,000 की रेंज में लैपटॉप्स निकाले हैं, 70-80,000 की रेंज में भी लैपटॉप निकाले हुए हैं इसी में ही। आई होप ये जो लैपटॉप के पिक्स मैंने निकाले हैं आपको पसंद आए होंगे, अगर नहीं आए तो जो भी मैंने आपको स्पेसिफिकेशन बताई है, i5 प्रोसेसर होना चाहिए मिनिमम, उससे ऊपर जो भी इससे ऊपर स्पेसिफिकेशन होगी वो तो चलो माशाल्लाह अच्छी ही होगी, बट मिनिमम i5 प्रोसेसर होना चाहिए, 8GB ऑफ रैम होनी चाहिए और 4GB ऑफ ग्राफिक कार्ड होना चाहिए। स्टोरेज में डिपेंड करता है कि आप ज़्यादा पैसे खर्चोगे तो आपको SSD मिल जाएगा, अगर आप ज़्यादा पैसे नहीं खर्चोगे तो आपको हार्ड डिस्क मिल जाएगी, अगर आपको बजट का इशू नहीं है तो आपको क्या कहते हैं हाइब्रिड भी मिल जाएगी। तो बस आज के लिए सिर्फ, आई होप मैंने विशाल भाई और शेषा साई भाई की क्वेरीज को क्लियर किया हो, आई होप मैंने आपके कंफ्यूजन को दूर कर दिया हो। अगर आपको कोई भी इश्यूज आता है तो आप यूट्यूब पर कभी भी वीडियो के नीचे कमेंट करके अपना क्वेश्चन पूछ सकते हो, डजेंट मैटर वो लैपटॉप मोबाइल से किसी ऐसी चीज़ के रिलेटेड है या फिर आप प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के रिलेटेड है या फिर आप अपनी स्टडीज के रिलेटेड कुछ भी, आप कभी भी अपने कन्फ्यूजन को दूर कर सकते हो। उसके अलावा अगर आपको इंस्टेंट मैसेजेस चाहिए तो आप लोग मुझे इंस्टाग्राम पे मैसेज कर सकते हो या फिर आप लोग मुझे व्हाट्सएप पे भी मैसेज कर सकते हो, मेरा व्हाट्सएप का नंबर है +61435039346 जो कि मैं डिस्क्रिप्शन में नीचे दे दूंगा, आप कभी मुझे मैसेज करके अपने क्वेश्चंस या फिर कन्फ्यूजन्स पूछ सकते हो और जिसकी दूर करने के लिए मैं पूरी कोशिश करूंगा अपनी। तो बस चलिए आज के लिए सिर्फ इतना ही, इन पांचों लैपटॉप्स के लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में नीचे दे दूंगा। तो दैट्स इट फॉर टुडे, अगर आपने वीडियो को चलती चलती लाइक नहीं किया अभी तक तो स्मैश कर दीजिए लाइक बटन को, सब्सक्राइब करना मत भूलना और साथ वाले बेल आइकन को दबाना तो कभी भी मत भूलना, क्योंकि मैं आपके लिए ऐसी ही वीडियोस लेकर आता रहता हूं और आता ही रहूंगा। तो दैट्स इट फॉर टुडे, मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए थैंक यू।